लगी है बढ़ना करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता जो मांगता हरिशन उसे वही दे देते। अब इतना बड़ा नाम हुआ, इतना नाम हुआ जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिशन जैसा, उसके बराबर तो कोई राजा ही नहीं है। इतना नाम हुआ जो लोग इन्हें बदनाम भी करने लगे। और देखिए आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाता है, बड़ा कड़ी मेहनत करता है, तब जिंदगी में कई आदमी अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। यानी मुसीबत उठा के नाम किया किसी और ने, मेहनत की उसने, लेकिन बदनामी वाले लोग पीछे पड़ जाते, लोग बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम, पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अरे बदनाम तो वही होता है जिसका नाम होता है, और बेइज्जती उसकी जिसकी इज्जत होती है। अब नाम हुआ तो बदनाम हुए, लेकिन एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, सब बोले भैया हरिशन का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो बस उसने उत्तर दिया आखिर को चेला के नकार हमारा, वो हमें घमंड है, हरिशन मर सकता है लेकिन धर्म को पीट नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र बैठे थे, पो चले गए और चिल्लाने लगे, बस इस पागल हो, बुद्धि खराब है तुम्हारी, अरे किसकी बढ़ाई करने में लगे हो तुम, वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, सौ गाय का लालच दे करके हमारे भांजे को खरीदा उसकी, अरे वो क्या जाने दानान। तो वशिष्ठ बोले विश्वामित्र देखो वो समय अलग था, अब समय अलग है, मानव वो दानी है का होगा तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में वो बिल्कुल दानी नहीं है। और वशिष्ठ से विश्वामित्र चिल्लाते हुए बोले महाराज सुनो एक बात तुम्हें नहीं पता कि सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है, नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती, अरे नदी नदी रहेगी समुद्र समुद्री रहेगा। और एक बात और, सोना क्या खूब चमकता है जब तक बैठे बाज नहीं, मुनि बरिए केवल हो गए कि हरी संत की जाच नहीं, महाराज सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में ना डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बातें हो रही हैं, उसकी जांच नहीं भाई, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं हरिशन की जांच कर ले। बोले हाँ हाँ चले जाओ, हमें घमंड है कि हरिशन मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले सुनिए एक झटका में मैंने हरिशन को धर्म से ना दूर फेंक दिया तो मेरा नाम भी गाद का पुत्र नहीं का चले जाए। अब चले हरिशन की परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र, सूकर का भेष बनाया, हरिशन का बाग उजाड़ना शुरू किया, माली लोगों को घायल कर दिया, खबर हरिशन को मिली तो बाग सुबह सुबह घेर लिया। तो विश्वामित्र भागे बाग से निकल करके तो हरिशन पीछे दौड़ने लगे, काफी दूरी पे निकले गए तो विश्वामित्र ने रूप बदल लिया, महात्मा बने गए और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिशन पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए हो या समय हो गया, कब के बैठे उधर? तो बोले इधर से कोई सुअर गया है क्या? तो विश्वामित्र कहने लगे देखने में बहादुर हो, राजाओं के वस्त्र पहने हो, सुअर का शिकार करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? हरिशन। तो भाई हो हाँ, तो
तो बोले महाराज हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले, हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते। और वो ही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया, क्या आप हमें भी कुछ दोगे महाराज? बड़ाई करने लगे हरिश्चंद्र की विश्वामित्र। और बोले महाराज सुनिए,